मैं क्या नहीं दोस्तों, मैं एक छोटा सा YouTube क्रिएटर उल्फत अंसारी और आप सभी को स्वागत करते हैं एक नई और फ्रेश वीडियो में। एक कस्टमर हैं जिनके पास है HF Deluxe BS6, काफी ज्यादा परेशान है। जब भी वो कहीं गाड़ी ले जाते हैं कुछ ही किलोमीटर तक चलती है, गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद पड़ जाती है। इससे पहले भी उसकी गाड़ी ब्रेक डाउन हुई थी, मैंने उसको कुछ एडवाइस दिया और साथ ही साथ मैंने बताया कि कोई गैराज में आप गाड़ी को ले जाएं। उस मैकेनिक भाई से मैंने संपर्क किया, कंप्लीट मैंने स्टेप बाय स्टेप उसको चेक करने को कहा, एंड में जाके उसका प्रॉब्लम का सलूशन निकल गया। गाड़ी अच्छी खासी चलने लगी, फिर से गाड़ी जो है कुछ किलोमीटर चलने के बाद, कुछ दिन होने के बाद फिर से वही सेम प्रॉब्लम है। अभी कस्टमर जो है गाड़ी को लेके गए हैं कहीं दूर और गाड़ी जो है पूरी तरह से डेड हो चुके हैं, स्टार्ट होने के नाम नहीं ले रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या हुआ उस गाड़ी में जो इस तरह से प्रॉब्लम करती है, चलते चलते कहीं भी बंद पड़ जाती है और इस तरह से प्रॉब्लम करती है। तो क्या हमारी गाड़ी का ECU खराब है, फ्यूल लेवल कम होता है, वायरिंग में शॉर्ट सर्किट है, या फिर जो ECU है उसका कपलर बाहर निकल जाता है या फिर वो हिल जाता है। तो कंप्लीट एक एक स्टेप बताएंगे, तो सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक स्टेप बताते हैं कि HF Deluxe BS6 में जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, चलते चलते बंद होने की समस्या है, उसको कैसे सॉल्व। तो दोस्तों गाड़ी को कुछ दूर तक टो करके ले आ चुके हैं क्योंकि इसके अंदर वही सेम प्रॉब्लम है कि इग्निशन को ऑन कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर जो फ्यूल पंप वर्क करना चाहिए वो वर्क नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ों की गलती देखने को मिल रहा है, एक तो लो फ्यूल में रेगुलर गाड़ी रन हो रही है उसकी वजह से इसका फ्यूल पंप खराब हो सकता है, या फिर कंपनी तो क्लेम कर रही है कि इसके अंदर जो पंप में ऑटो कट दिया हुआ, जब फ्यूल का लेवल कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, तो वो गैराज पे ले जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि वोल्टेज की सप्लाई नहीं हो पा रही या फिर फ्यूल पंप खराब हो गया। तो बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक एक चीज़ों को ओपन करके बताएंगे। तभी गाड़ी को चलिए धक्के देके ले चलते हैं और फिर आपको हम बताते हैं क्या है इसके अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम जो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है, जैसे इसके इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे चेक लाइट और यहाँ पे I3S का भी सिंबल एकदम परफेक्ट बिलिंग कर रहा है, हॉर्न वगैरह भी सटीक है, और जो है सिर्फ इसके अंदर जो फ्यूल पंप नहीं चल रहा है और उसी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, और सिर्फ ये सिंगल बार नहीं, दो तीन बार इस तरह से प्रॉब्लम कर रखी है। तो आज की इस वीडियो में इसका 100% सोल्यूशन निकालेंगे और आने वाले समय इस तरह से प्रॉब्लम ना करे उसके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसके फ्यूल वाले मीटर पे भी देखें तो काफ़ी जो है कस्टमर के भी इसमें गलती देखी जा सकती है, क्योंकि लो फ्यूल में अगर चलाएंगे तो गाड़ी में प्रॉब्लम करेगी ही करेगी। तो देखते हैं क्या लो फ्यूल में चलने की वजह से पंप जल तो नहीं गया है। चलिए ओपन करते हैं BS6 की गाड़ी को और देखना रहेगा इंटरेस्टिंग क्या है इसके अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम। हम मैकेनिक लोग हैं और हम लोग को रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती, हम क्या करते हैं यहाँ से पैर से इसको धक्का देके गैराज तक किसी हद तक पहुँचाते हैं, गैराज तक ले जाने के बाद ही इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम का पता चलेगा। तो इस तरह से शूट करना या फिर इस तरह से धक्के देकर ले जाना थोड़ा सा टफ होता है, तो चलिए ले चलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग अगर नज़ारा देखें तो इसके व्लॉगिंग शूट करने जैसा है, बट ये सारी चीज़ें भी आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि काफ़ी दूर ले जाना है गैराज के ऊपर। तो चलिए ले चलते हैं और मेन जो है मेन प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं कि आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम फेस ना हो। तो चलिए धक्के देकर ले चलते हैं। बड़ी मेहनत के बाद बाइक को गैराज के ऊपर ले आए हैं। अब चलिए सबसे पहले आपको एक एक स्टेप बताते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है गाड़ी में जो कहीं भी बंद पड़ जाती है और बंद होने के बाद स्टार्ट नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड के पैनल, राइट हैंड साइड के पैनल और फ्यूल टैंक और कम्प्लीट सीट वगैरह ओपन करते हैं ताकि प्रॉब्लम तक पहुँच सके कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने पहले बता ही दिया है कि इग्निशन ऑन करके चाहे लॉक सेल्फ का उपयोग किया जाए या फिर इसके कम्प्लीट जो किक का अप्लाई किया जाए, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो चलिए इससे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओपन करते हैं दोनों पैनल को और इसके सीट को और आपको दिखाते हैं क्या है गाड़ी में प्रॉब्लम। इसके राइट हैंड साइड के पैनल को ओपन कर दिया और सबसे पहले इसके फ्यूज बॉक्सेस को चेक कर लेते हैं, दोनों साइड यहाँ भी और यहाँ भी। तो फ्यूज बॉक्स खराब होना नहीं चाहिए, इसके फ्यूज खराब होना नहीं चाहिए क्योंकि इसके जो है सारी चीजें वर्किंग में है और यहाँ पे जो सिर्फ फ्यूल पंप का इशू आ रहा है बार बार, तो फ्यूल पंप के लिए स्पेशली यहाँ पे भी फ्यूज है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये अगर फ्यूज अगर आपको दिखा दिया जाए तो एकदम परफेक्ट एंड सटीक है, इसमें कोई इशू ऐसा दिख नहीं रहा है। अब चलिए इसको लगा लेते हैं और डायरेक्टली ये देख लेते हैं कि हमारी बैटरी जो है वो प्रॉपर तरीके से 12 वोल्ट की जो चार्ज होना चाहिए वो है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मल्टीमीटर को यहाँ पे 20 वोल्ट पे सेट करेंगे क्योंकि हमें जो है इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई को चेक करना है बैटरी का। तो उसके लिए एक नेगेटिव टर्मिनल इसके इस ग्रीन वाले टर्मिनल पर टच कर देंगे और जो पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा उसके इस ब्लैक वाले टर्मिनल पर टच कर देंगे
और बैटरी वोल्टेज की बात किया जाए तो 11 वोल्ट से प्लस चार्ज यानी 11 प्लस, तो इससे ये पता चलता है कि 12 वोल्ट प्लस होना चाहिए। बट कस्टमर क्या होते हैं कि जब भी कोई कस्टमर परेशान होते हैं तो काफी ज्यादा सेल्फ का उपयोग करते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि गाड़ी में किस रीजन से हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो थोड़ा बहुत सेल्फ का उपयोग करने से थोड़ी सी इसके जो वोल्टेज डाउन हो गई है। अब इससे पता ये चलता है कि इसके जो है इस इतने वोल्टेज के अंदर से जो है हमारा फ्यूल पंप एकदम सटीक वर्क करना चाहिए, फ्यूल पंप एकदम परफेक्ट चलना चाहिए। अब चलिए सबसे पहले इसके फ्यूल टैंक के कपलर को ओपन करते हैं और ये देखते हैं कि इसके अंदर जो टू फेस पंप है जिसको वर्क करने के लिए डायरेक्ट बैटरी टू फ्यूज बॉक्स से होते हुए 12 वोल्ट का करंट जाता है वो इसके अंदर जा रहा है कि नहीं। तो उसके लिए सीट को और इसके टैंक को ओपन करते हैं और डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई को चेक करते हैं। अगर वोल्टेज पंप में चल रहा होगा, जा रहा होगा, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और वोल्टेज अगर नहीं पहुंच रहा होगा तो फिर क्या चेक करना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो देख पा रहे हैं कंप्लीट इसके फ्यूल टैंक को ओपन कर चुके हैं और यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक मैंने रखा हुआ है और ये जो इसका फ्यूल पंप है ये टू फेस पंप होता है। अब बहुत से मैकेनिक भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू फेस और थ्री फेस क्या होता है, तो अगर इसके अंदर वाले निडिल में देखें तो यहाँ पे सिर्फ जो है दो ही कंपोनेंट यानी सिर्फ दो ही वायर जाने की जगह होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा इसके अंदर जो है बॉडी अर्थ, एक के अंदर डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई जाएगी, दूसरा इसके नेगेटिव के तौर पे काम करेगा। और जो थ्री फेस होता है उसके अंदर जो है कंप्लीट तीन वायर लगे होते हैं, कितने वायर, तीन वायर लगे होते हैं इसके फ्यूल पंप को वर्क करने के लिए। अब चलिए आपको बताते हैं कि थ्री फेस में कितना वोल्टेज आता है और टू फेस में कितना वोल्टेज आता है। तो ये देखिए टू फेस का पंप है और इसको वर्क करने के लिए बैटरी से 12 वोल्ट की सप्लाई पड़ती है, और जो थ्री फेस होता है इसमें ब्राउन कलर के तीन वायर होते हैं और उसमें ECM से डायरेक्ट 2.5 वोल्ट का करंट आता है। अब इसमें हमें जो है बैटरी से इग्निशन ऑन करने के बाद 12 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है नहीं वो चीज चेक कर लेते हैं। चलिए मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं और वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसके मल्टीमीटर को मैंने 20 वोल्ट पे होल्ड कर दिया है और ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है ये ब्लैक प्लस रेड वाले टर्मिनल पे ऐड कर देंगे और साथ ही जो है इसका एक दूसरा जो टर्मिनल है ये ब्लैक वाला इसको बॉडी अर्थ से टच करेंगे। तो यहाँ पे देखें यही एक इसके अंदर मेन रीजन है कि इसके जो है फ्यूल पंप के इस पाइपलाइन वाले कनेक्शन में वोल्टेज की सप्लाई नहीं हो रही तो पंप चलेगा कैसे। तो ये सप्लाई जो है इग्निशन ऑन करने के बाद 12 वोल्ट इसके अंदर आना ही चाहिए जब ही पंप वर्क करेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कहाँ से गड़बड़ी हो सकती है जो इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रहा है, तो वो है इसका फ्यूज बॉक्स, इसकी बैटरी, इसका वायरिंग और साथ ही साथ इसका इग्निशन। तो क्या है कि मैंने बैटरी चेक कर लिया, मैंने इसके कंप्लीट जो है वायरिंग भी चेक कर लिया और नई गाड़ी का वायरिंग खराब नहीं हो सकता, फ्यूज बॉक्स सही है, अब बचता है सिर्फ एक चीज, वो क्या है, वो इसका इग्निशन। अब इग्निशन में क्या प्रॉब्लम आता चलिए वो भी आपको बताते चलते हैं और वहीं से इसके पंप वाले इस वायर में इसका 12 वोल्ट का सप्लाई आएगा। अभी चलिए आपको फ्रंट साइड को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। अब इसके इग्निशन को चेकआउट करने के लिए दो स्क्रू जो होते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और नीचे भी एक बोल्ट होता है जो सभी चीजों को ओपन कर दिए हैं। अब चलिए इसको बाहर ले लेते हैं। तो ये कंप्लीट इसके इग्निशन वाला एरिया है और यहाँ पे अगर देखें तो पहले की जो गाड़ियाँ होती थी उसमें सिर्फ दो वायर होते थे कंप्लीट इसके जो 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए, यहाँ पे 12 वोल्ट का करंट आके होल्ड होता था और जैसे गाड़ी का इग्निशन ऑन करते थे तो यहाँ से करंट कन्वर्ट करके जो आगे भेज देते थे इसके कंप्लीट स्पीडोमीटर के लिए, हॉर्न के लिए, सेल्फ के लिए, फ्लेशर के लिए, बैकलाइट के लिए। बट अब इसके अंदर जो है दो वायर जो है स्पेशली फ्यूल पंप के लिए है और दो वायर इसके जो कंप्लीटली सारी चीजों के लिए वर्किंग के लिए है। तो चलिए इसके इग्निशन को फाइनली डायरेक्ट कर देते हैं कि क्या इग्निशन डायरेक्ट करने के बाद 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे जो है पंप वाले एरिया में जाता है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो चलिए दो तार के मदद से डायरेक्ट करते हैं क्योंकि दो तार इसका सटीक वर्क कर रहा है और ये ज्यादातर केसेस में देखने को मिल रहा है मॉइस्चर वगैरह आ जाता है। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं वोल्टेज जाता है कि नहीं। तो आप सभी मैकेनिक भाइयों को पता होना चाहिए जो इसके फ्रंट यानी ऊपरेले पोर्शन में दो वायर है रेड प्लस येलो, रेड प्लस ब्लैक, ये इसके लाइटिंग और इसके सेल्फ वाले सर्किट के लिए वर्क करता है और इसके बैक साइड में जो ब्लैक प्लस रेड और ब्लैक प्लस ये देख पा रहे हैं ऑरेंज शायद वायर दिख रहा है तो ये इसके फ्यूल पंप के लिए है। अब इसको डायरेक्ट कर भी चुके हैं, अगर इग्निशन में कुछ इशू होगा या मॉइस्चर वगैरह होगा तो वो कंप्लीट वोल्टेज की सप्लाई करना शुरू कर देगा। अब चलिए यहाँ पर इसकी वोल्टेज को चेक करते हैं। तो अभी आपने क्या देखा कि इग्निशन ऑन कर रहे थे कोई वोल्टेज की सप्लाई नहीं, अब क्या है इसके इग्निशन को डायरेक्ट कर दिए हैं।
अब इसके एक टर्मिनल को यहाँ वायर से ले लें और दूसरा इसके बॉडी अर्थ से डालेंगे। तो देखिए अब इसके अंदर जो वोल्टेज की सप्लाई आना शुरू हो गया। तो एक तरह से ये जो HF डिलक्स या फिर हीरो ग्लैमर में इस तरह से एरर देखने को मिलता है कि गाड़ी कुछ समय के लिए खड़ी करते हैं या फिर चलते चलते कभी भी बंद हो जाती है और गाड़ी में जिससे इग्निशन ऑन करते हैं फ्यूल पंप चलना बंद हो जाता है। तो ये जो एरर होता है इग्निशन से होता है। आप जरूर से जरूर जब भी इग्निशन ऑन ऑफ करते हैं और आपको कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि जैसे इग्निशन को ऑन करेंगे चेक लाइट जलेगा, हॉर्न सेल्फ सारा चीज वर्क करेगा, सिर्फ के सिर्फ इसके फ्यूल पंप वाले लाइन में करंट की सप्लाई नहीं होगी। तो उसके लिए आप एक बार जरूर से डायरेक्ट करके देखें। अब डायरेक्ट करने के बाद उसकी क्लीनिंग करके फिर से असेंबल करेंगे और गाड़ी को आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। यानी इसके जो है इग्निशन से एरर था। अब चलिए इसके जो कंप्लीट इसकी क्लीनिंग करते हैं और लगाते हैं। तो आप सभी मैकेनिक भाइयों ने देखा कि मेन प्रॉब्लम कहाँ से होता है, इसके इग्निशन से होता है। अब इसकी जो थोड़ी सी बैटरी डिस्चार्ज है चलिए उसको भी चार्ज कर देते हैं और इसकी क्लीनिंग करते हैं कि इसके अंदर जो मॉइस्चर वगैरह आते हैं या फिर कहाँ से पता नहीं एरर आ जाता है। इसको ओपन करके फिर से लगाने के बाद प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। बट परमानेंटली सोल्यूशन के लिए बैटरी इसके अंदर नई ऐड करेंगे या फिर उसको हम चार्ज करेंगे। तो बैटरी को जो है पूरी तरह से चार्ज करके असेंबल कर चुके हैं। चलिए फ्यूल पंप देखते हैं वर्क करता है या नहीं वोल्टेज जाने के बाद भी। तो फ्यूल टैंक को ओपन करने के बाद इसको लगा चुके हैं। इसके पाइपलाइन को सिर्फ ओपन कर रखे हैं और बेजिंग देख पा रहे हैं, प्रोग्रामिंग FI सेल्फ स्टार्ट वाली वेरियंट है। अब चलिए इग्निशन को ऑन करते हैं और आपको फ्यूल की सप्लाई दिखाते हैं कि प्रॉपर जिस तरह से होना चाहिए फ्यूल की छिड़काव वो होता है कि नहीं। तो काफ़ी अच्छी तरह से इसके जो इग्निशन ऑन करने के बाद फ्यूल की छिड़काव हो रहा है। अब चलिए इस पाइपलाइन को इसके इंजेक्टर वाले सप्लाई पे लगा देते हैं और गाड़ी को फाइनल स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि अभी जस्ट मैंने इसके बैटरी को चार्ज किया है, डिस्चार्ज पड़ गई थी। तो अभी क्या है कि फटाक से हम सेल्फ का उपयोग नहीं करेंगे, किक से स्टार्ट करके गाड़ी को कुछ किलोमीटर तक रन करेंगे फिर सेल्फ का उपयोग करेंगे। तो पंप चल रहा है, 2 या 3 बार इग्निशन को ऑन ऑफ कर लेंगे। अब चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी गाड़ी स्टार्ट भी है और आइडलिंग में परफेक्ट खड़ी भी है। यानी मैंने इसके अंदर सिर्फ जो इग्निशन में एरर था और उस कंडीशन पे बैटरी डिस्चार्ज हो गई, बैटरी कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से डिस्चार्ज नहीं पड़ी थी, ज्यादा सेल्फ का उपयोग कर देने की वजह से डिस्चार्ज पड़ गई थी। अब गाड़ी हमारी प्रॉपर स्टार्ट है, कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको सीखने लायक मिला हो, हेल्पफुल जानकारियां मिली हो। जब भी आपने सारी चीजें चेक कर लिया एक बार जरूर से जरूर इसके इग्निशन को भी चेक करें ताकि काम आपका आसान हो जाए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।